नमस्कार जनाब। नमस्ते हुजूर। अरे हवलदार साहब, आप बड़े साहब ने आपको याद फरमाया है। क्यों जी? कोई जरूरी मसला आ गया है, उस बारे में आपसे सलाह मशवरा करना चाह रहे थे। जनाब उन्होंने बड़ी प्रार्थना की थी, वो तो बस खुद आना चाहते थे, बस किसी काम में अटके पड़े हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कह देना हम लोग आ जाएंगे। अच्छा जनाब नमस्कार। नमस्ते। चले भाई। चलो कमाल भाई। मिस्टर राम जी गोपाल जी, आपने अखबार में अपना फोटोग्राफ देखा है? मैं आपको दिखाता। वेरी ग्रेट, ये देखिए। ये तो बहुत छोटा है, अमेरिका वाले तो हम दोनों का स्टैचू बनवा रहे हैं। है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये क्या है कि मैं छोटी मोटी बातों पर वक्त जाया नहीं करता। मैंने कई बार आप लोगों को क्राउड पीस में हवा खड़े दिखा है, क्या ये वक्त बर्बाद करना नहीं? मिस्टर हैरी, हम आज सुराख की तलाश में जाते हैं, आपकी तरह दंगाजारी करने के लिए नहीं। सर, आपके सामने मेरी दिल की धज्जियां उड़ा जा रहे हैं और आप बैठे भी सुन रहे हैं अपनी जूनियर की इतनी। सर मिस्टर हैरी, तुम्हें तो इसकी आदत होनी चाहिए। हाँ तो मिस्टर राम जी गोपाल जी, मैंने आपको इसलिए तकलीफ दी क्योंकि मैं एक केस में बहुत बुरी तरह से उलझ गया और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे किस तरह से हल करूं। वैसे केस क्या है? अब देखिए ना, आजकल चोरी डकैती ठगी के केस इस तरह से बढ़ रहे हैं जैसे हरी सब्जी में कीड़े मकोड़े। ये लोग कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। कल की बात है, सेठ हीरामल की कपड़ों की दुकान के ऊपर ठगी हुई, नकदी के साथ साथ कोई 20-25 हजार रुपए का कपड़ा लेना। लेकिन सर वो केस तो मैं देख रहा हूं। मिस्टर हैरी, तुम केस नहीं देख रहे हो, तुम सिर्फ फाइल देख रहे हो। लेकिन सर मैंने उस केस के बारे में बहुत सी बातें जान ली। हाँ, आपसे एक सवाल लेनी, हो सके तो इतनी मदद कीजिए कि हम उन तक पहुंच जाए। ये जाल कहां तक फैला है? अगर एक आदमी भी पकड़ा गया, बाकी का पता लगाना सर हमारा काम है। वो कितने हैं? फिलहाल जो केस हमारे पास आया है उसमें एक औरत और एक मर्द शामिल है। औरत जवान है। आपके पास की कोई फोटो या निशानी होगी? अब फोटो असली है या नकली हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी एक वेश में नहीं आते हैं। कभी औरत अपडेट बन जाती है और आदमी उसका ड्राइवर, और कभी आदमी एक बुजुर्ग बन जाता है तो औरत तो उसकी नर्स। उनका कोई एक रूप नहीं है। फिर तो पता लगाना मुश्किल है। गोपाल जी, अगर यही बात मिस्टर हैरी कहते हैं तो शायद मैं यकीन कर लेता, लेकिन आपके मुंह से ऐसी बात, तो महान है। देखिए मुश्किल तो कुछ भी नहीं मिस्टर आफ्ताब साहब, अब अमेरिका में हमारे लोगों का स्टैचू वैसे थोड़ी ना बन रहा है। देखिए मिस्टर राम, आपको जो फैसिलिटीज चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल आप हमें एक मोटरसाइकिल दे दें। नो प्रॉब्लम। मिस्टर हैरी, इनको ऑफिस की तरफ से एक मोटरसाइकिल दे दीजिए। लेकिन सर मिस्टर हैरी, जैसा मैंने आपसे कहा है आप जाइए और वैसा करिए। राइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो हर बात को हाँ कहने की बहुत बुरी आदत है। इज्जत पाने के लिए हाँ करना कौन सी बुरी बात है? जब काम ना हुआ ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कल किसने देखा? हाँ तुझे तो नाम बनाकर अपना स्टैचू बनाना है, मुझे भूखा मर के अपना मकबरा नहीं बनाना। यार भूख तो मुझे भी जोरों की लगी है, कल कुछ खाते हैं यार। देखता हूँ बच्चों कैसे करते हो जासूसी।
पता है मुझे हराम पसंद नहीं, मगर खाने में तो खाना तो था कुछ और। जल्दी जल्दी और जल्दी, बहुत जल्दी मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ। हमें जल्दी पहुंचना है, आने जाने में लोगों की भीड़ में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। करना क्या है? अरे तैयारी करनी है, सामने वालों को अपनी बातों में नहीं ले जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। तुम तो मास्टर हो। और फिर मेकअप भी करना है, कपड़े भी बदलना है, उसमें क्या टाइम लगेगा? पागल हो गई हो, तुम्हें बूढ़ी औरत बनना है और मुझे अरब का शेख, पूरा सामान भी नहीं है वहाँ। और फिर मेकअप भी जल्दी कर लेंगे तो अच्छा ही होगा। चलो चलते हैं, चलो उठो। तो क्या समझे? ठीक समझे, अभी हाथ पकड़ने का अच्छा मौका है। खाना तो खा ले, खाना तो खा ले पहले यार, खाना खा ले तो निकल जाएंगे। चल बिल्डिंग का कंपाउंड है। हाँ तो चलकर देखते हैं। इधर आ जाओ। कहाँ जाना है भाई साहब? अंदर जाना है। ये आम रास्ता नहीं, पीछे गेट से आइए। और वो दोनों जो अंदर गए हैं कौन? मीना जी और मुकेश जी। मीना मुकेश ध्यान रखना। मगर भाई साहब वो मेन गेट से क्यों नहीं आए? उन्हें लोग पहचान लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। राम सही जगह पहुंचे। मगर आप हैं कौन? भाई हम उनके फ्रेंड हैं, मेरा मतलब उनके साथी। अच्छा अच्छा तो आप जाइए।
उधर से आ रही है, उधर से। चलो चलो चलते चलो चलते चलो चलो चलो। रिक्वेस्ट करते हैं ना कि वो कपड़े उतार कर मारे। तो चुप कर, अपने कपड़े उतार। मेरे पास तो एक ही कपड़े मैंने उतार लिया। तो फिर चुप कर। गोपाल आज एक नया सूट लेके आएंगे ना? जरूर लाएंगे, जरूर लाएंगे। मेरे लिए भी एक सूट लेते आना। अरे सरे आम पिक, कपड़े फिड़वा, इस सूट की बात कर। नए कपड़े खरीद कर पहनने गया या पुराने कपड़ों को सिलने गया, उसे पता नहीं है कि देर हो रही है। भाई साहब राम आए, उसे बोलना कि गोपाल फ्रूट्स खाने गए, थोड़ी देर में आता है, वो यहीं रुके। ठीक है। अच्छा ढंग से चला नहीं जाता क्या? आइए मैम, बेगम आइए। बेगम साहब के लिए बढ़िया से बढ़िया हार दिखा। ये लीजिए मैडम। ये और दिखाइए। ये भैया कोई अच्छा सा, कोई महंगा सा दिखाइए ना। ये पसंद नहीं आया मैडम। एक नया हार लेके आता हूँ आपके लिए। क्या हुआ? बस हल ही समझो गोपाल, चल आज उधर ही चलते हैं।
छोड़ना यार, कोई नया लफड़ा। देख विश्वास के साथ कदम बढ़ा, मंजिल तेरे सामने होगी। साहब आप विश्वास की बात करते हो पर आपको मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है विश्वास? ये पूरा घर हमने तेरे को दे रखा है, वो विश्वास की काबिल नहीं है। वो तो ठीक है सर, पर अलमारी की चाबी तो अभी तक नहीं दी है। साहब जी कहाँ गए? कहाँ गए? अरे कहाँ गए यार? जल्दी जल्दी चल, क्या शाम चलते चलते बितानी है? मुझसे इतनी जल्दी नहीं चला जाता। यार तुझे किसने कहा था इतना मोटा होने को? चोर कहीं का? चोर नहीं, खुश मिजाज कहो, खुश मिजाज। मोटे लोग हमेशा खुश मिजाज होते हैं। यार तू किसने झगड़ा करेगा भी कैसे? ना तो तू भाग सकता है ना किसी लड़ सकता है। यहाँ क्यों रुक गया? कपूर प्लास्टिक फैक्ट्री का पता तो देख ले। साहब क्या ढूंढ रहे? क्या आपका पर्स खो गया है? नहीं, पर्स हमारे पास है। अरे तो मुझ गरीब को उसमें से कुछ दान दीजिए ना। क्या? अरे मुझ गरीब बेसहारा लाचार की कुछ मदद कीजिए। यार तुम्हारे हाथ पाँव नाक कान तो सब ठीक है, फिर तुम लाचार कहाँ से हुए? आदत से मजबूर हूँ साहब। तुम्हें शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? जब मैंने भीख मांगा था तुम्हारा मशवरा नहीं। अरे अरे सुनो तो सही, ये कपूर प्लास्टिक फैक्ट्री कहाँ है? पानी की टंकी के पास। और टंकी कहाँ है? फैक्ट्री के सामने। अगर ये दोनों कहाँ है? अरे दोनों एक दूसरे के आमने सामने। तुम्हें कुछ पता भी है? अरे काहे सुबह सुबह खाली पीली हमारा धंधे का टाइम बर्बाद कर रहे, जाओ ना अपना काम कर। तू चले। हाय मैडम। हेलो, what do you want? Ma'am, we are Hindustani people. We speak very neat and clean and shuddh Hindi. तो क्या चाहिए आप? आप तो एक ही आइटम बेच रही हैं, मैडम हवा हवाई। How sweet! You know my name? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अमेरिका से। अमेरिका में आपके ऑयल की काफी तारीफ सुनी है। Come on! क्यों मजाक करते हैं आप लोग? कहाँ अमेरिका और कहाँ ये मुंगा वाली गली? मैडम ये सच कहता है, आपका तेल उतना ही प्रसिद्ध है जितना कपूर साहब के खिलौने। कपूर साहब तो बड़े आदमी है, मैं तो नहीं। नहीं आप लोग कितने फेमस हैं? इस काम में पिछले हफ्ते मालूम हुआ। मैडम यू नो टू मिस्टर कपूर, क्या आप उनसे मिली हैं? ही इज वेरी नाइस मैन, यू नो ऑलवेज ही टेक्स केयर ऑफ मी। वो तो मेरे लिए भगवान जैसे। हाँ हाँ बड़ी फैक्ट्री है, क्या पता कल आप उसकी ऑनर ही बन जाए। ए, क्या बोलता है तुम? मेरा नजर उनका फैक्ट्री पर है ही नहीं। अरे अरे कैरेक्टर चेंज, कंटिन्यूटी पे इतना बड़ा झटका?